नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सूर्या और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का यह वीडियो मेरे लिए सामान्य वीडियो की तरह नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं और आज मैं आप सभी के सामने उन कारणों को साझा करने के लिए खड़ा हूं। इन 4 महीनों में मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। जुलाई से लेकर अब तक हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है। सबसे पहले मेरे गांव के कुछ व्यक्तियों और नेताओं ने मिलकर राजनीतिक माहौल बनाते हुए मेरे परिवार को निशाना बनाया। उनके साथ शासन और प्रशासन का सहारा लेकर हमारे परिवार पर दबाव डाला गया। इन घटनाओं ने न केवल हमारी संपत्ति और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हमारे जीवन को भी खतरे में डाल दिया। इन सभी के द्वारा मिलकर हमें शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं और मेरा परिवार फैसला किया है कि अब इस सच्चाई को दबने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि इस यात्रा पर आप सब मेरे साथ रहें। यह वीडियो उन कठिन समय की एक शुरुआत है। आने वाले एपिसोड में मैं उन सभी घटनाओं का हर एक विवरण आपके साथ साझा करूंगा। कैसे इन घटनाओं ने हमें प्रभावित किया, कैसे इन घटनाओं का हमने सामना किया और कैसे मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। यह केवल मेरी कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अन्याय का सामना करते हैं और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। आपकी एक एक टिप्पणी, एक एक शेयर और एक एक लाइक हमारे इस संघर्ष को और अधिक मजबूत बनाएगी। आने वाले दिनों में मैं इस घटना से जुड़े हर पहलू पर वीडियो बनाऊंगा। कौन जिम्मेदार है, प्रशासन और पुलिस ने मेरे साथ क्या किया, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, प्रशासन और पुलिस ने हमारे साथ क्या किया और आज हम कहाँ खड़े हैं। इस सच्चाई को उजागर करने का यह सफर आप सभी के सहयोग से ही पूरा होगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा साथ दें, मेरी यह कहानी दूसरों तक पहुँचाएं और हमारे इस अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज़ बने। सच की राह पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।